नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हाइपोकैल्सिमिया। आज इसके बारे में जानेंगे। तो हाइपो का मतलब होता है कम, और कैल्सीमिया मतलब है यहाँ पर कैल्शियम से। तो कैल्शियम की मात्रा जब ब्लड में कम हो जाती है, जो उसका लेवल होता है उससे कम हो जाती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, हाइपोकैल्सिमिया। तो हाइपोकैल्सिमिया क्या है, जो इसमें IA टर्म है, इससे किससे संबंधित है ये, MIA ब्लड से, यानी ब्लड में कैल्शियम की कमी क्या कहलाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। ए कंडीशन इन विच द ब्लड हैज लो लेवल ऑफ कैल्शियम, एक कंडीशन जिसमें कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है उसको ही क्या कह देते हैं, हाइपोकैल्सिमिया। ये माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है, कैल्शियम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉमन मिनरल है इन द बॉडी। मोस्ट ऑफ द बॉडी कैल्शियम कहाँ पर स्टोर होता है, बोन में। यदि हम पूरे शरीर की बात करें और हम कहें कि भाई कैल्शियम जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो होता है हड्डियों में। बट कैल्शियम इज नीडेड इन बॉडी ब्लड एज वेल, ब्लड में भी इसकी हमें ज़रूरत होती है। द कैल्शियम इन ब्लड, जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है नर्व वर्क। जो हमारी नर्व होती हैं, तंत्रिका होती हैं, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उनको काम करने में ये मदद करता है। हेल्प मेक मसल स्क्वीज टुगेदर सो वन कैन मूव। तो जब मसल स्क्वीज होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो उससे क्या है, व्यक्ति मूव होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। हेल्प ब्लड क्लॉट, और ब्लड की क्लॉटिंग में भी जो रक्त का थक्का जमता है उसमें भी ये मदद करता है। ये ब्लीडिंग एंड हेल्प हार्ट वर्क प्रॉपरली। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड क्लॉट में ये मदद करता है, और इसके अलावा हार्ट को भी ये प्रॉपर वर्क करने में मदद करता है। तो मेन काम क्या होगा, एक तो बोन में, दूसरा नर्व के वर्क में, देन मसल की स्क्वीज में जिससे मूव कर सके, ब्लड क्लॉट होने में, और हार्ट को वर्क करने में प्रॉपरली ये मदद करता है। रेंज होती है अडल्ट में कैल्शियम की होती है 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कि 8.5 से 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जब इसकी लेवल 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाती है, इससे कम मात्रा होती है, तो वो क्या कहलाता है, हाइपोकैल्सिमिया। द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड एंड बोन आर कंट्रोल्ड बाय टू हॉर्मोन। यदि हम कहें कि ब्लड में कैल्शियम है और बोन में है, तो ये दो हॉर्मोन होते हैं मानव शरीर में, ये होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन। तो ये दोनों हार्मोन किसको रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम को, कि कितनी मात्रा में होना चाहिए कितनी नहीं होना चाहिए, तो ये दो हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जो विटामिन डी है वो क्या करता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करता है। शरीर के द्वारा जो अवशोषित होती है कैल्शियम, वो किससे होती है, विटामिन डी से। विटामिन डी ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल, इसलिए इसका काम क्या होता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। बिकॉज इट्स नीडेड फॉर बॉडी टू एब्जर्व कैल्शियम, कैल्शियम को एब्जर्व होने के लिए, अवशोषित होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विटामिन डी की। देन आते सिम्टम क्या होंगे, माइल्ड माइल्ड यदि है तो हाइपोकैल्शियम है, तो उसमें मसल क्रैम्प आ सकते हैं, स्पेशली इन बैक पे और लेग पे, यानी पीठ में और जो पैर है उसमें मसल क्रैम्प आ सकते हैं। इसके अलावा ड्राई और स्केली स्किन हो जाएगी, जो त्वचा है वो कैसे हो जाएगी, सूखी और स्केली। ब्रिटल नेल्स, नेल्स जो है वो जल्दी से टूट जाएंगे, भ्रंगुर हो जाएंगे, मोर कॉर्स कोर्स पतले हेयर हो जाएंगे। यदि ये अनट्रीटेड, मतलब इसको ट्रीट नहीं किया जाए ओवर टाइम, हाइपोकैल्सिमिया कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने लगता है, और साइकोलॉजिकल अफेक्टिंग द माइंड को अफेक्ट करने लगता है, यदि इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, तो उससे क्या हो जाता है, देन कन्फ्यूजन हो जाएगा, मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना, डिप्रेशन होना, हेल्यूशनेशन होना, ये हो जाएगा। देन यदि हम बात करें सीवियर हाइपोकैल्सिमिया की, तो वेरी लो लेवल यदि हो गया इसका, तो उससे क्या सिम्टम होंगे, टिंगलिंग इन लिप्स, टंग, फिंगर और फीट, इनमें टिंगलिंग सेंसेशन, मसल एक होना, मसल स्पाज होना, कहाँ पर, गले की मसल स्पाज होना, तो सांस नहीं ले पाता व्यक्ति, तो इसको क्या कहते हैं, लेरिंगो स्पाज हो जाएगा। देन स्टिफनिंग एंड स्पाज ऑफ मसल, टिटेनी हो जाना, देन सीजर आना, दौरे आना,
एबनॉर्मल हार्ट रिदम होना, एरिदमिया होना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब इसमें हो जाएगा। देन कॉजेस क्या होते हैं हाइपोकैलेसीमिया के? तो मोस्ट कॉमनली रिजल्ट व्हेन टू मच कैल्शियम इज लॉस्ट इन यूरिन। यूरिन से क्या है, ज़्यादा कैल्शियम लॉस होने लग जाती है। व्हेन नॉट एनफ कैल्शियम इज मूव फ्रॉम बोन इन टू ब्लड, या फिर जो बोन से ब्लड में जो कैल्शियम जा रही है वो एनफ मात्रा में नहीं है, नॉट एनफ है। तो कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेसीमिया क्या होंगे, एक तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है PTH, उसका लो लेवल होना, जिसको हम बोलते हैं हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाती है। एस कैन अकर व्हेन द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर डैमेज ड्यूरिंग थायरॉयड ग्लैंड सर्जरी। जब थायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी कर रहे होते हैं तो उसके साथ क्या होता है, ज़्यादा कुछ कुछ कंडीशन में पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो डैमेज हो जाती है, और जब ये डैमेज हो जाती है तो इसका कम हार्मोन सिक्रिट होता है, तो उससे कैल्शियम कम हो जाता है। देन लैक ऑफ रेस्पॉन्स टू नॉर्मल लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी है तो पैराथायरॉयड हार्मोन इनफ मात्रा में है लेकिन उसका रेस्पॉन्स में सही नहीं हो रहा है, मतलब रेस्पॉन्स का अभाव है। तो इसको शूरो, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ऐसा आभास होना, गलत छद्म आभास होना कि हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, जबकि ये है सही लेकिन बॉडी इसका रेस्पॉन्स किस तरह से कर रही है कि ये कम है, तो इसको बोलते हैं शूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। नो पैराथायरॉयड ग्लैंड एट बर्थ, यानी कुछ कुछ जो बच्चे हैं उनमें बर्थ के टाइम पे पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं है, जैसे कि ये होता है जोर सिंड्रोम में, तो उसमें भी हाइपोकैल्सिमिया हो जाता है। यदि हाइपो मैग्नीसीमिया है, लो लेवल है किसका, मैग्नीशियम का, विच रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका लो लेवल होगा जब मैग्नीशियम का, तो ये क्या करेगी, पैराथायरॉयड हार्मोन को भी क्या कर देगी, एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगी, और जब पैराथायरॉयड की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम रिड्यूस हो जाएगा। देन हाइपो मैग्नीशियमिया नीड मैग्नीशियम टू मेक एंड रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड को जरूरत पड़ती है इसकी। तो जब मैग्नीशियम लेवल कम हो जाता है तो हाइपो कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ड्यू टू इनएडिक्वेट कंजप्शन और इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट। विटामिन डी हमें किससे मिलती है, सनलाइट से, और या फिर हम कोई कंजप्शन कर रहे हैं वो इनएडिक्वेट है या सनलाइट में इनएडिक्वेट एक्सपोजर है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई। तो कैल्शियम किसकी प्रेजेंस में अवशोषित होता है, विटामिन डी में, तो जब विटामिन डी नहीं होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और कम हो जाएगा कैल्शियम का लेवल। देन आता है किडनी डिसफंक्शन, किडनी क्या करने लगी है, फंक्शन सही ढंग से नहीं कर रही है, विच रिजल्ट इन मोर कैल्शियम एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो क्या होगा, जब किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही तो यूरिन से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम निकलने लग जाएगा, और इससे किडनी क्या हो जाएगी, लेस एबल टू एक्टिवेट विटामिन डी। तो ये किडनी क्या करेगी, विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, वो कम योग्य होगी कि वो विटामिन डी को एक्टिवेट करे। तो विटामिन डी नहीं होगा तो फिर हाइपोकैल्सिमिया होगा। इसके अलावा इनएडिक्वेट कंजप्शन, कैल्शियम ही कम ले रहे हैं तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगी। डिसऑर्डर दैट डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कोई भी डिसऑर्डर जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, कोई भी ऐसी बीमारी, पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस में भी क्या होता है, हाइपोकैल्सिमिया। कुछ कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि रिफैम्पिसिन एंटीबायोटिक है, एंटी सीजर मेडिकेशन है जैसे कि फेनिटोइन, फिनोबारबिटल, बिस्फो फोनेट जैसे कि एलेंड्रोनेट, राइस रोनेट, राइस एंड जोरेड्रोनिक एसिड, ये कैल्सिटोनिन, क्लोरोक्वीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्लीकामाइसिन, ये सारी जो मेडिसिन है वो भी क्या कर देती हैं, हाइपोकैलेसीमिया कॉज करती हैं। देन आते हैं इसकी डायग्नोसिस और टेस्ट। तो कैल्शियम कंसंट्रेशन ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा देखी जाएगी। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, चेक लेवल ऑफ मैग्नीशियम का चेक लेवल करने के लिए, फॉस्फोरस, पैराथायरॉयड हार्मोन का चेक करने के लिए, फॉस्फोरस का चेक करने के लिए, और विटामिन डी का चेक करने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है, हाइपोकैल्शियमिया में क्या है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम आती है। बोन इमेजिंग टेस्ट किया जाता है, तो बोन इमेजिंग टेस्ट में ये देखा जाता है कि कैल्शियम इशू तो नहीं है बोन में, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। देन ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, फॉलोइंग ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन यूज़ की जाएंगी, ऑरल कैल्शियम पिल, कैल्शियम की गोलियाँ, विटामिन डी सप्लीमेंट लिए जाएंगे, और इसके अलावा सिंथेटिक फॉर्म लिया जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन का। तो ये जो सारी मेडिसिन है वो
डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन ली जाएगा सिंथेटिक फॉर्म में, यदि क्या है हाइपो पैराथायरॉयडिज्म है तो। इसके अलावा IV कैल्शियम ग्लूकोनेट भी लेते हैं इसमें। इफ हाइपोकैल्शियम सीवियर है और एक्सपीरियंसिंग मसल क्रैम और स्पाज्म आ रहे हैं तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट भी प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। और मेडिकेशन क्या है जो कॉज होता है हाइपोकैल्शियमिया के, उनके अनुसार उसको मेडिकेशन दी जाती है जिससे कि इसको मैनेज किया जा सके और ट्रीट किया जा सके किसको, कॉज को। तो आज का हमारा टॉपिक था हाइपोकैल्शियमिया। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।